नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन अकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र आप लोग के बीच में आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास को लेकर के। और इकोनॉमिक्स के क्लास में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, बजट है। और बजट के बारे में हम लोग बजट को दो चरणों में पढ़ेंगे। पहला क्या है कि बजट का इतिहास क्या है, और हाल ही में जो 2020-21 का बजट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बजट है क्या और बजट का इतिहास क्या रहा है। क्या आज ऐसे ही सरकार का जो मन हुआ कि चलो आज बजट बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बजट को बनाने के लिए एक बहुत ही पुरानी विधि चली आ रही है, लोगों इस बजट को प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो उस काल को जोड़ते हुए कि कब से इस बजट का स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई, तब को जोड़ते हुए आज के वर्तमान बजट के प्रारूप को समझेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग के बजट के इतिहास के बारे में। और बजट के इतिहास में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या होता है बजट। और बजट के बारे में जानेंगे कि बजट होता क्या है, कि ये बजट किसी भी सरकार के आय एवं व्यय का लेखांकन प्रस्तुत करती है, ऑडिट प्रस्तुत करती है किसी भी सरकार के, किसी भी देश की सरकार का। बजट क्या है फिर से सुनिए, कि किसी भी देश के सरकार की आय एवं व्यय का जो लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है वो बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात सरकार के कितने आय के साधन हैं, या फिर कितने कहाँ से आय हो रही सरकार की, और सरकार अपने पैसों को कहाँ खर्च कर रही है, वो सब हम लोग बात किस में करते हैं, हम लोग बात करते हैं बजट में। बजट के लिए एक और चीज़ समझ लीजिए कि बजट जो होता है कभी भी एक वर्ष के लिए बनता है। जो बजट होता है वो हमेशा 3 वर्ष के लिए बनता है। सबसे पहले बजट का मतलब होता है कि बजट पिछले वर्ष हम लोगों ने उस देश में कितना रुपये खर्च किया, वर्तमान वर्ष में हम लोग कितना रुपये खर्च करने वाले हैं, और आगामी वर्ष में हम लोग कितना रुपये खर्च करेंगे। अर्थात जो ये बजट होता है यह विगत तीन वर्षों का कौन कौन सा, विगत वर्ष, चालू वर्ष एवं आगामी वर्ष का लेखांकन होता है। 3 वर्षों का लेखांकन होता है, अर्थात सरकार के 3 सालों का डेटा जो होता है वो किसमें होता है, बजट के अंदर होता है। ये तो रही इतनी बात। फिर बजट के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग कि बजट शब्द की उत्पत्ति, क्या बजट जो ये है आज अचानक से निकल पड़ा, नहीं, जो बजट शब्द की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे कि बजट जो है, पहली बात तो ये बजट शब्द नहीं था पहले। पहले जो बजट का जो नाम था वो क्या था, देखिए पहले इसका नाम था बजट कह लीजिए, या कहीं कहीं पर इसको बूझे कहा गया है। दो शब्द, पहले प्रश्न आएगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बजट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो बोगेट से हुई है, बोगेट या फिर बूझे। बोगेट जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, प्रश्न कई बार आया हुआ है कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहले बोगेट था, वर्तमान में बजट कर दिया गया। जो बजट है वो बजट जो है वो इंग्लिश टर्म यूज़ हो गया है, वो बजट इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन जो बजट का जो प्रारंभिक अवस्था थी वो फ्रेंच शब्द से निकल कर सामने आई थी, और उसका मतलब क्या था, बोगेट। और उस बोगेट का अर्थ क्या था, जानेंगे कि बोगेट का अर्थ क्या था। जो बोगेट था या बजट था, उस बजट को हम लोग चमड़े का थैला कहते थे। उस टाइम क्या होता था, जब ब्रिटेन में लगभग 1733 के आसपास जो प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने आय और व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, वो उस लेखे जोखे को किस में रखा गया था, वो एक चमड़े के थैले में उन्होंने प्रस्तुत किया था। उस टाइम उनकी काफ़ी मस्करी हुई, लेकिन वो प्रथा जो है आज तक चली आ रही है। उस टाइम की जो 1733 में जो प्रधानमंत्री थे उनका जो नाम था वो रॉबर्ट वॉलपोल। प्रश्न आ जाए कि विश्व में पहली बार बजट कब रखा गया, प्रस्तुत किया गया, तो पहली बार 1733 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने इसे प्रस्तुत किया था। लेकिन उस टाइम जो ये शब्द था ये बजट ना होकर बोगेट था उस टाइम वर्ड। उसके बाद लगभग 1803 में फ्रांस सरकार ने अपने खर्चों का लेखांकन प्रस्तुत किया, और उस टाइम उन्होंने यूज़ किया शब्द बजट। बजट शब्द यूज़ किया। ये तो रही बजट शब्द की बारे में कि बजट शब्द कहाँ से आया, बजट शब्द का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। वर्तमान में भारत सरकार जो है वही क्या करती है, बजट प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या है, अभी तक लगभग 2 वर्ष पहले क्या होता था कि जो बजट होता था वो चमड़े के थैले में आता था,
लेकिन अब क्या हो गया है, भारतीय सरकार ने क्या कर दिया है, जो अब जो सड़क आता है, जो अब जो बजट आता है, बजट को अब ये लोग एक रेड कपड़े में बांध कर लाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बजट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बजट कहाँ से आया है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आगे बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे विश्व में बजट कब यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, किसने यूज़ किया। इसी को हम लोग जोड़ेंगे भारत के संदर्भ में कि भारत में पहली बार बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ, या फिर पहली बार बजट भारत में कब प्रस्तुत हुआ, ये सब बातें करेंगे हम लोग। तो देखेंगे क्या कि भारत में जो बजट है वो पहली बार 1860 में, कब पहली बार 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, याद रखिएगा जेम्स विल्सन। प्रश्न आएगा कि भारत में जो बजट है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो लॉर्ड कैनिंग आप ना लगा के आइएगा, पहले क्या लगा के आएंगे, जेम्स विल्सन। प्रश्न आएगा जेम्स विल्सन किसके समय में थे, तो कौन था उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग थे। तो बजट के बारे में फिर से हम लोग आते हैं कि भारत में बजट जो था पहली बार 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, और जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का प्रणेता या फिर भारत में बजट का जनक कहा जाता है। ये तो हो गया भारत के इतिहास में उस टाइम की बात। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और बजट के प्रारूप भी बदलते गए, अब जब स्वतंत्र देश हुआ अपना भारत, जब सब स्वतंत्र हुआ, तो प्रश्न आया हुआ है कि जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस टाइम भारत में जो बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत अर्थात 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो आर के षटमुख चेट्टी ने क्या किया, प्रस्तुत किया था। आर के षटमुख चेट्टी जो थे वो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। इन्होंने कब पेश किया था, 26 नवंबर 1947 में इन्होंने पहला अपना बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, इन्होंने बात हुई थी जब इन्होंने बजट पेश किया था, ये बजट जो था वो एक साल का ना होकर के 7.5 माह का था, इन्होंने 7.5 माह का बजट पेश किया था। प्रश्न आता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया और गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, लोग दोनों में क्या अलग चले आते हैं, आर के षटमुख चेट्टी। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्र भारत का जो बजट था पहला भारत में, किसने पेश किया, वो तो आर के षटमुख चेट्टी है। लेकिन जब भी प्रश्न आ जाए कि भारत में प्रथम गणतंत्र, भारत के प्रथम गणतंत्र का बजट पहली बार किसने पेश किया, तो वो कौन है, जॉन मथाई ने पहली बार गणतंत्र भारत का बजट पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ये तो रही बात इतनी बजट के हिस्ट्री की, भारत में बजट की हिस्ट्री में थोड़ी सी और इसमें जोड़ते हैं हम लोग कि बजट से लेकर कुछ रोचक तथ्य और क्या हैं, जो कि प्रश्न जो पेपर में बन सकते हैं और पेपर की दृष्टि से उपयुक्त तो हो सकते हैं। तो इसी में देखते हैं कि जो बजट पहले होता था वो 5 बजे, ब्रिटेन जो था, जो इंग्लैंड था, वो पहले अपने हिसाब से बजट क्या करता था, पेश कराता था। उस टाइम वहाँ पर वो लगभग 12 बजे पेश करते थे, लेकिन क्या हमारे यहाँ टाइम थोड़ा 5.5 घंटे आ गए। तो भारत में क्या होता था, जो बजट होता था वो लगभग 5 बजे शाम पेश किया जाता था। तो बाद में क्या हो गया, लगभग आगे जा करके इस टाइम को क्या कर दिया गया, सुबह के 11 बजे। अब 11 बजे किस प्रश्न आया कि किसके काल में, तो यशवंत सिन्हा के काल में क्या कर दिया गया कि जो बजट है उसका समय 5 बजे से चेंज करके क्या कर दिया गया, 11 बजे कर दिया गया। इसमें भी एक और प्रश्न आएगा कि जवाहरलाल नेहरू का काल चला था उस टाइम, पहले क्या होता था, जो बजट होता था वो 28 लगभग 1 फरवरी के आसपास पहले क्या होता था, जारी किया जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने क्या दिया, नहीं, अब जो बजट होगा वो 28 फरवरी को जारी होगा। कब 28 फरवरी को जारी होगा, ये उन्होंने कब कहा, उन्होंने कहा 1958 के आसपास, 1958 और 59 के बजट में उन्होंने क्या दिया कि जो बजट जो होगा वो कब जारी होगा, 28 फरवरी को जारी होगा। लेकिन वर्तमान में प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में बजट कब जारी होता, तो वर्तमान बजट जो होता है वो 1 फरवरी को जारी होता है, वर्तमान में बजट 1 फरवरी को जारी होता है। ये तो रही इतनी बात।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं कि प्रश्न आता है कि भारत में जो बजट है इसको सबसे ज़्यादा बार पेश करने वाले कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कौन हैं, वो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इन्होंने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार क्या किया है, इनके काल में क्या हुए हैं, बजट को प्रस्तुत किए गए हैं। कितनी बार? लगभग 10 बार। 10 बार इन्होंने इनके समय में बजट को पेश किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर स्थान है वो किसका है, पी चिदंबरम जी। पी चिदंबरम जी के काल में क्या हो गया, इन्होंने क्या किया है, 8 बार क्या किया, अपना जो बजट है वो प्रस्तुत किया, मतलब देश का बजट प्रस्तुत किया। ये तो रही इतनी बात, हम लोगों ने बात कितनी कर डाली, हम लोगों ने बात की इतनी देर में कि बजट क्या होता है, बजट के तहत कितने वर्ष का लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है। फिर वहीं हम लोगों ने बात की कि बजट पहली बार विश्व में कब आया और भारत के संदर्भ में बजट कब यूज़ हुआ और भारत में बजट के प्रणेता कौन है, ये सब बात हम लोगों ने जानी। इसके बाद की कि भारत में बजट पहले होता था 5 बजे प्रस्तुत होता था, लेकिन उसके बाद जो बजट है वो कितने बजे, 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर वहीं देखेंगे कि जो बजट है पहले 28 फरवरी को किया जाता था प्रस्तुत, अब क्या है जो बजट है वो अब कब करने किया जाने लगा, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। अब वर्तमान में देखा हम लोगों ने कि सबसे ज़्यादा बार जो बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने पेश किया, उसके बाद पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक शब्द आता है आर्थिक सर्वेक्षण। क्या आर्थिक सर्वेक्षण एक शब्द आता है, तो क्या समझते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से इकोनॉमिक सर्वे से? एक प्रश्न आएगा भाई, तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। दूसरा प्रश्न आएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया जाता है, दूसरा प्रश्न बनेगा क्यों जारी किया जाता है। तो बता देता हूँ कि बजट जब भी रिलीज होगा, बजट से एक दिन पहले, जिस दिन बजट रिलीज होना है उसके एक दिन पहले क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो रिलीज किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। अब दूसरा प्रश्न आप लोग के प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा कि वित्त जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो जारी ही क्यों किया जाता है, तो बता देना चाहता हूँ कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो गत वर्ष या फिर विगत वर्ष का लेखा जोखा होता है, अर्थात सरकार ने पिछले वर्ष कितना रुपये खर्च किया है और सरकार को कितने रुपये आए हैं, वो सारा जो लेखांकन होता है वो किस में होता है, इकोनॉमिक सर्वे में होता है। और इसी इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में यह पता चलता है कि सरकार ने कितनी वृद्धि दर प्रस्तुत की है, कितनी वृद्धि दर प्रस्तुत की है। वृद्धि दर से याद आया कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि बजट बनाने के लिए 3 चरण प्रमुख होते हैं। सरकार जब भी बजट बनाती है, पहली बात कैसा बजट बनाती है, घाटे का बजट बनाती है, और उस घाटे के बजट को बनाने के लिए उसके 3 चरण होते हैं कि क्या, सबसे पहले जो सरकार होती है बजट में क्या डिसाइड करती है, वृद्धि दर डिसाइड करती है। सरकार कहती है कि हमें नेक्स्ट ईयर इतने प्रतिशत की क्या करनी है, वृद्धि दर को प्राप्त करना है। तो ऐसे में फिर आता है, फिर वो क्या करती है कि हमें उस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ खर्चों की आवश्यकता होगी, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। जब उसके बाद क्या करती है, वो खर्चे डिसाइड करती है, फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार क्या डिसाइड करती है, आय को डिसाइड करती है। तो सरकार के जो बजट बनाने के चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, पहला क्या वृद्धि दर, दूसरा क्या खर्च, तीसरा क्या है आय। ये तो हो गया भारत में बजट के बारे में। कुछ बातें और जानते हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ लिया, प्रश्न आया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे कब आता है, तो बजट से एक दिन पहले। ये इसमें होता क्या है, सरकार के पुराने साल का या पिछले साल का जो भी सरकार ने खर्च किया है और सरकार जो भी इनकम आई उसके बारे में इसमें बात की जाती है। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि बजट जो है दो होते हैं, एक आम बजट और रेल बजट। 1920 से पहले होता क्या था, जो रेल बजट है और जो आम बजट है दोनों एक साथ आते थे, लेकिन 1920 या 21 में एक कमेटी गठित हुई, उसका नाम था एक वर्थ समिति थी। और उस समिति ने क्या कह दिया, इसने सुझाव दिया कि जो बजट है रेल बजट और कौन सा आम बजट, इन दोनों के एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। तो एक वर्थ समिति ने क्या कर दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि आम बजट और रेल बजट इन दोनों को अलग कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ 1925 में पहली बार क्या हो गया, रेल बजट को आम बजट से अलग क्या कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया कि अब दोनों ही अलग अलग बजट आएंगे। लेकिन
ये प्रक्रिया चलती रही चलती रही चलती रही और आगे जा करके 1 फरवरी 2017 को, कब 1 फरवरी 2017 को फिर से रेल बजट और आम बजट को मिला करके एक कर दिया गया। प्रश्न आएगा कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, तो 1 फरवरी 2017 को अलग कब किया गया था, एक वर्ष समिति के सुझावों के आधार पर 1925 में अलग कर दिया गया था। ये तो रही बात इतनी। अब बात करेंगे, एक और प्रश्न आता है इसमें बजट संबंधित एक और शब्दावली है, उसका नाम सुना होगा, मैं बता भी चुका हूँ, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, इस जान लीजिए कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है भारत का फाइनेंशियल ईयर है। ऐसे में एक और आता है कि भारत का आधार वर्ष क्या है ग्रोथ रेट के लिए, तो भारत का जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2011-12, पहले चेंज था 2004-05 था, अब 2011-12 कर दिया गया है। अब प्रश्न आएगा कि पहली महिला जिनके समय में जो जिसने बजट प्रस्तुत किया पहली महिला, तो कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। ये तो ओवरऑल क्या हो गया, पूरा बजट का हिस्ट्री हो गया है भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को मिलते हुए नजर आएंगे। अब जो हम लोग का जो सेकंड वीडियो आएगा और उस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे कि बजट 2020 और 21 का प्रमुख प्रावधान क्या था और उसमें क्या क्या खर्च हुए हैं सरकार के, सरकार ने क्या लक्ष्य रखे हैं, सरकार के कितने घाटे हुए हैं, उसी 2020-21 के बजट में हम लोग देखेंगे कि सरकार के आगे के वर्ष में 2020-21 में कितने घाटे हो सकते हैं, राजस्व घाटा कितना होगा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा, मौद्रिक घाटा क्या होगा, ये सब सारी घाटों की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो ये तो रहा बजट का पहला टॉपिक और पहला लेक्चर। अब बजट का एक और लेक्चर होगा, उसमें हम लोग करंट से रिलेट करते हुए सारे आंकड़ों की बात करेंगे और उसी में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के तहत हम लोग बात करेंगे वहीं पर कि भारत में प्रमुख रूप से जो उत्पादन हो रहे हैं और भंडारण हो रहा है, जैसे ही प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है, कोयला कहाँ होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। इसी को जोड़ते हुए हम लोग देखेंगे कि भारत के अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है कहाँ हो रहा है, कम हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये सब हम लोग जोड़ते हुए इस क्रम को या श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बजट को कंप्लीट करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द मैक क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakampur.